नमस्कार दोस्तों, स्लमडॉग एंटरटेनमेंट पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शेयर करेंगे सुष्मिता सेन के अभिनय से प्रभावित अभिनेत्री इस्पिता भट्टाचार्य जी के क्या है आगामी प्रोजेक्ट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, अभिनेत्री और मॉडल इस्पिता भट्टाचार्य जी 4 नए म्यूजिक वीडियो में जल्द ही दिखाई देने वाली हैं। उनकी वेब सीरीज भी बनकर तैयार है जो जल्द ही रिलीज होगी। हाल ही में इस्पिता थाईलैंड जा रही है जहां उन्हें IIA की ओर से फ्रेश फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है। इस ट्रिप पर जाने माने अभिनेता और अभिनेत्रियों के ग्रुप भी उनके साथ जा रहा है। साथ ही उनके म्यूजिक वीडियो की भी शूटिंग थाईलैंड में की जाएगी। इस्पिता बचपन से ही डांस और अभिनय के प्रति विशेष रुचि रखती थी और उनका यही प्रेम उन्हें अभिनय की ओर खींच लाया। इस्पिता कोलकाता की रहने वाली है। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने मॉडलिंग से की। ब्यूटी पेजेंट शो में मिस फेस ऑफ बंगाल से वह सम्मानित हो चुकी है। कई रैंप शो और मॉडलिंग का हिस्सा भी रही और कई सम्मान भी प्राप्त किए। इसके बाद MTV के शो में 3 सीजन तक काम किया। कोलकाता इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत करने के बाद वह मुंबई में काम करने आ गए। सबसे पहले सपना चौधरी के म्यूजिक वीडियो से उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा। ई सीरीज के म्यूजिक वीडियो में काम किया। दिव्या खोसला कुमार, आदिल खान और कई अन्य हस्तियों के म्यूजिक वीडियो में वह दिखाई दी। अभिनेत्री स्मिता पाटिल और सुष्मिता सेन की वह बड़ी प्रशंसक है। सुष्मिता की वेब सीरीज आर्या और ताली में निभाए गए उनके किरदार से वह बेहद प्रभावित है और भविष्य में वह भी ऐसी भूमिका निभाना चाहती है। स्मिता अभिनेता शाहरुख खान के अभिनय की भी मुरीद है। शाहरुख खान की सभी फिल्में उन्हें प्रभावित करती है। फिलहाल इस्पिता अपने वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियो के लेकर काफी व्यस्त है और आगे फिल्म में काम करने को लेकर उत्साहित है। वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्मों में काम को लेकर उनका कहना है कि वह वेब सीरीज में अधिक बोल्ड सीन को लेकर असहज महसूस करती है। वह अपने अभिनय से ऐसा काम करना चाहती है कि उनकी अलग छवि निखर करके आए। इस्पिता का कहना है कि सभी इंसान एक समान है, सबका सम्मान जरूरी है, किसी को उनके रहन सहन और आर्थिक स्थिति से भावना उचित नहीं है। वह अपने कार्यों और अभ्यास से अपनी प्रतिभा कौशल को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती है। तो फ्रेंड्स, स्लमडॉग एंटरटेनमेंट के बॉलीवुड अपडेट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको यह अपडेट अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें और बने रहे हमारे साथ में बॉलीवुड अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे अपडेट के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।